फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोरिया। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गायनेशियम की। टाइप्स ऑफ गायनेशियम से पहले हम बात कर लेते हैं गायनेशियम क्या है। गायनेशियम इज द फोर्थ वर्ल ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर हमें मालूम है चार वर्ल से मिलकर बनता है, कैलिक्स कोरोला एंड्रेशियम गायनेशियम। कैलिक्स कोरोला को कलेक्टिवली हम पेरियंथ भी कहते हैं एंड दीज आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, these two are the reproductive part of flower. Androecium we have already discussed, which is a male reproductive part. Gynoecium शब्द आया है ग्रीक भाषा से, जिसमें कि गायनो का मतलब होता है फीमेल, ओएशियम का मतलब होता है हाउस। दैट मीन्स इनसाइड अ फ्लावर गायनेशियम इज द प्लेस वेयर फीमेल्स आर रिजाइडिंग। नाउ व्हाट इज दिस फीमेल, फीमेल क्या है यहाँ पे? फीमेल है इसलिए क्योंकि वहां पे है एग सेल। एग सेल है इसलिए मेल गैमीट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनेगा एंड दिस एम्ब्रियो की वजह से आगे रिप्रोडक्शन हो पाएगा। होप क्लियर पिक्चर थोड़ा क्लियर हो गई होगी। थोड़ा डिटेल में चलिए स्ट्रक्चर के साथ बात कर लेते हैं। अब गायनेशियम को ना पिस्टल भी कहते हैं और पिस्टल का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ कार्पल। कार्पल इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ गायनेशियम। कार्पल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग पार्ट में तो ये होता है सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा चीज जिसपे क्या कि पॉलन ग्रेन गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये ट्यूब स्टाइल और नीचे स्वोलन पार्ट जो है वो ओवरी कहलाता है, जिसके कि अंदर ओव्यूल रहते हैं। अब ये ओव्यूल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ओव्यूल इज दैट पार्ट जो कि जिसके कि अंदर एक्सेल पाई जा रही है, वो एक्सेल जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर द मेल गैमेट, है ना। ये एक्सेल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो जाइगोट एंड दिस ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो दिस ओव्यूल गेट डेवलप इनटू सीड। व्हाइल एक्सेल किसमें फ्यूजन हुआ है तो उसका क्या तब्दील होगी, एम्ब्रियो बनेगा जिससे कि आगे रिप्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, होप ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स मोनोकार्पस, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। कार्पस शब्द आया है कार्पल से। जब सिंगल कार्पल अगर है तो ये कहलाता है मोनोकार्पस। ठीक है, एक ही पाई जा रही है और ये कंडीशन मिलती है हमें वीट एंड राइस जैसे प्लांट में। नेक्स्ट इज एपोकार्पस, दैट मीन्स सारे कार्पल अलग अलग हैं, कोई भी फ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग अपने आराम से थैलेमस, ग्रीन जो है ना ग्रीन पार्ट, ये थैलेमस ठीक है उस पर आराम से बैठे हुए हैं। तो दिस कंडीशन इज एक्चुअली अनफ्यूज एंड दिस कंडीशन कैन बी सीन इन स्ट्रॉबेरी, लोटस, रोजेस एटसेट्रा। सिनकार्पस में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। केवल अगर ओवरी ये स्वेलन पार्ट अगर फ्यूज हुआ है तो ये भी सिनकार्पस ही कहलाएगा। अगर स्टिग्मा और ओवरी फ्यूज हो गए ये भी सिनकार्पस है, लेकिन हो सकता है कभी कभी कि पूरा ही स्टिग्मा इधर स्टाइल एंड ओवरी अगर फ्यूज है तो ये भी सिनकार्पस है, लेकिन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अगर कंप्लीटली फ्यूज है तो ये भी सिनकार्पस ही कंडीशन कहलाती है, जो कि हमें देखने को मिलती है मैंगो टोमेटो जैसे प्लांट्स में। आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ है, अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।